परीक्षण की आराधना में लगे हुए धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज परीक्षण पर्व का दूसरा दिन और सब में दुगुना उत्साह है उन सब में। कल हमने परीक्षण के प्रथम दिन में आगम के वाचन में हमने परीक्षण के महत्व को जाना, इस परीक्षण पर्व को हम क्यों सेलिब्रेट करें, कब सेलिब्रेट करें और कैसे सेलिब्रेट करें, इस इन चीजों पर हमने डिस्कस किया। और कैसे सेलिब्रेट करें उसमें आया एक स्वाध्याय। स्वाध्याय किसका करें? सद ग्रंथों का करें, और जिनों के लिए सद ग्रंथ किया है आगम। टोटल आगम कितने हैं? 32। और 32 आगमों में से एक आगम को हमने इस बार के लिए चयन किया है, वो है हमारा उत्तरार्धन सूत्र, जो कि भगवान महावीर की अंतिम देशना है, अंतिम प्रवचन, अंतिम डिस्कोर्स है, वो उत्तरार्धन सूत्र है। इसमें कुल 36 चैप्टर्स हैं। सारे चैप्टर्स तो नहीं ले सकते, लेकिन एक चैप्टर है उसमें से 23वां चैप्टर, जिसका नाम है केशी गोय विचम, अर्थात केशी और गौतम। थोड़ी सी भूमिका हमने बांधी थी कल के प्रवचन में कि इस पूरे अध्ययन में, इस पूरे चैप्टर में केशी और गौतम का संवाद चलता है, क्वेश्चन आंसर चलते हैं। प्रश्न करने वाले कौन है? श्रवण केशी, और आंसर देने वाले कौन है? गौतम स्वामी। तो हम बात कर रहे थे केशी श्रवण की, उत्तराधिक सूत्र में केशी श्रवण कैसे थे, उनके लिए एक विशेषण दिया गया है। इस तीसरे नंबर श्लोक में उत्तराधिक सूत्र में भगवान ने कहा कि जो केशी श्रवण थे वो कैसे थे? ओ ही नाण सुए बुद्धे, ओ ही नाण सुए बुद्धे। जो केशी श्रवण थे वो अवधि ज्ञान और शुद्ध संपदा से संपन्न थे। जिन आगमों में पांच प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, याद है आपको? पांच प्रकार के ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। और केशी के लिए कौन सा ज्ञान बताया, कौन से ज्ञान के लिए धनी बताए? अवधि ज्ञान से संपन्न। मति ज्ञान का मतलब क्या है? जो इंद्रिय और मन से जो भी ज्ञान हो रहा है वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। हम देखें सुबह सूर्योदय से लेकर के इवनिंग तक जितना भी हमें ज्ञान होता है वो सारा कौन सा ज्ञान है? हमारे लिए मति ज्ञान है। हम सारा इंद्रियों से देखते हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट होता है, या कान से कुछ हम सुनते हैं, नाक से कुछ सुनते हैं, स्पर्श से कुछ भी टच करते हैं, वो सारा ज्ञान है। वो किस कैटेगरी में जाता है? हमारा मति ज्ञान में जाता है। दूसरा ज्ञान है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या होता है? शास्त्रों से ज्ञान तो इसमें भी हो रहा है, ये जो हकी ज्ञान ही हो रहा है। शुद्ध ज्ञान means what? श्रवण, सुना हुआ। एक होता है सुना हुआ ज्ञान और दूसरा होता है मति ज्ञान। जब जो आपने सीखा मति ज्ञान के द्वारा, जो आपने लर्न किया या सुनकर भी जो लर्न किया, क्योंकि सुनना भी मति ज्ञान में आएगा, राइट? तो फिर शुद्ध ज्ञान में डिफरेंस क्या हुआ? तो शुद्ध ज्ञान का मतलब है दूसरों को समझाने की कला, ऐसा ज्ञान जिसमें आप दूसरों को समझा सको। देखो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें ज्ञान तो बहुत होता है, हम बहुत सुनते हैं, YouTube पर सुनते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बहुत लेक्चर प्रवचन सब सुनते हैं, ज्ञान बहुत होता है हमें, लेकिन हमें एक्सप्रेस करना नहीं आता है कि उस ज्ञान को सिंपल वे में कैसे बताएं ताकि दूसरा इजीली समझ सके। जो मैं आप माइंड के लेवल पर आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, लेकिन आपको वर्बली नहीं समझाना आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वहां पर आपका शुद्ध ज्ञान कमजोर होता है। और कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनका मति ज्ञान अच्छा नहीं होता है, जिनको ज्ञान तो बहुत नहीं होता, लेकिन उनको एक्सप्रेस करने का जो पावर होता है बड़ा गजब का होता है, वो बहुत एक्सलेंट होता है, वो बहुत एक चीज को बहुत सुंदर से एलोबरेट करके समझा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से कर्मों का क्षोभ है। मति ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षोभ होगा वो उतना बढ़ेगा, और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षोभ होगा उतनी आपके अंदर दूसरों को समझाने की कला डेवलप होगी, राइट? तीसरा है हमारा अवधि ज्ञान। तो ये अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ही ज्ञान होते हैं, वो बाहर पदार्थों से नहीं होते, वो भीतर से होते, आत्मा से होते, जिसमें हमें ना इंद्रियों की जरूरत होती है ना मन की जरूरत होती है, वो हमें अपनी आत्मा से होते हैं। मैं आंख बंद करके बैठी हूँ, यदि मुझे अवधि ज्ञान है, मान लो
हो तो आप बंद की हुई है तो भी आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अवधि, अवधि मीन्स एक लिमिट, उसमें लिमिट होती है कि भाई ह्यूस्टन में जितना पदार्थ उसी को जान सकते हैं या सैन एंटोनियो तक हम जान सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितने क्षेत्र का अवधि ज्ञान हुआ है। अवधि ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारी प्योरिटी के लेवल पर कि आपको कितना अवधि ज्ञान हुआ है। अभी रिसेंटली कुछ रिसेंट पास्ट में ही एक ऐसे शावक थे जिन्होंने संधारा किया था और संधारा में उन्हें अवधि ज्ञान हुआ था, चाहे कुछ ही क्षणों के लिए हुआ था लेकिन उन्हें अवधि ज्ञान हुआ था और अवधि ज्ञान के बेस पर उन्होंने सब कुछ बताया था, फिर फोन करके टैली किया गया तो बात एकदम सही थी। तो इसका मतलब अवधि ज्ञान कुछ पलों कुछ क्षणों के लिए अभी भी हो सकता है लेकिन वो बहुत हायर स्टेट होती है प्योरिटी की, तब जाकर के वो होता है। मनोपरिज्ञान को क्या बोलते हैं? मनोपरिज्ञान मतलब दूसरों के मन को जानना। अब यहाँ बैठे आपके मन में क्या चल रहा है उसको जान लेते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको जान लेते हैं। और ये ज्ञान कब होता है? तीर्थंकर भगवान जैसे ही दीक्षा लेते हैं ना, जैसे तीर्थंकर सारे तीर्थंकर जैसे ही दीक्षा लेते हैं अवधि ज्ञान तो उन्हें गर्भ में ही होता है, तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान तो गर्भ में ही होता है, लेकिन मनोपरिज्ञान वो जैसे ही दीक्षा लेते हैं उन्हें मनोपरिज्ञान भी हो जाता है और जैसे जैसे साधना करते हैं लास्ट में केवल ज्ञान, मतलब सब कुछ क्लियर, सब कुछ एकदम क्लियर है हमारे लिए, सब कुछ एकदम हाथ में आंवला रखा है जैसे दिखता है ना वैसे सब कुछ क्लियर होता है। तो अवधि ज्ञान की संपदा वाले कौन थे? केशी श्रवण, केशी कुमार थे। और वैसे ही श्रवण केशी के लिए अवधि ज्ञान वाला टाइटल लगाया, वैसे ही जो गौतम स्वामी थे उनके लिए भी बताया कि वो कैसे थे। तो गौतम स्वामी कैसे थे उनके लिए यहाँ पर बताया गया, भगवं गोयमे नावम विद्या चरण पार थे। अब कैसी विशेषता बताइए गौतम स्वामी के लिए, जो कि भगवान महावीर के शिष्य थे गौतम स्वामी, उनके लिए कहा गया कि वो विद्या और आचार से संपन्न थे। दो बातें हैं, दो तत्व हैं, एक विद्या और एक आचार। संसार में बहुत सारे प्राणी होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, लेकिन सारे प्राणियों को ठाणम सूत्र में चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विद्या संपन्न होते हैं लेकिन आचार संपन्न नहीं होते, राइट? पहली कैटेगरी के लोग कौन से हो गए? जो विद्या संपन्न है, जिनको नॉलेज बहुत है लेकिन कंडक्ट उनका है वो राइट नहीं है, सही नहीं है। दूसरी कैटेगरी के लोग कौन से आ गए? जो विद्या संपन्न नहीं है लेकिन आचार संपन्न है। तीसरी कैटेगरी में कौन से लोग आए? जो विद्या संपन्न भी नहीं है और आचार संपन्न भी नहीं है। और चौथी कैटेगरी के लोग वो हैं जो विद्या संपन्न भी है और आचार संपन्न भी है। तो केशी कौन सी कैटेगरी के लोग थे? चौथी वाले कैटेगरी के लोग थे, विद्या और आचार। हमारे जीवन में दोनों तत्वों का बैलेंस होना जरूरी है। खाली हमको नॉलेज ही नॉलेज हो, बहुत सारा आपको ज्ञान है लेकिन आपका आचरण नहीं बोलता है, तो क्या उस व्यक्ति को आप पसंद करेंगे? आपके घर में एक ऐसी बहू आई है जो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पैसा कमाती है, लेकिन उसका आचरण उसका बिहेवियर बिल्कुल काम का नहीं है, क्या हम उसको लाइक करेंगे? मन से उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाली विद्या को महत्व नहीं दिया गया। इसीलिए आचार्य तुलसी ने आचार संस्कार बोध में एक श्लोक कहा है कि है रुपया निन्यानवे विमल विनय आचार, शेष एक रुपया रहा विद्या कला प्रचार। समझ में आया? एक एक बॉक्स है उसमें 100 रुपीज है, 99% किसको जाते हैं? विनय विद्या नहीं, विद्या नहीं, विनय को आचार को जाता है, और 1% है वो किसको जाता है? कला को, हमारी जो जो भी जो स्किल्स है जो भी एक्सपर्टीज है उसको जाता है। इसका मतलब दोनों चीजें जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर। एक राजा था, उसके एक मंत्री था, वो बड़ा विद्या संपन्न था, बड़ा होशियार था, बुद्धिमान था, बुद्धिमान होने के साथ साथ वो चारित्र संपन्न भी था, आचार संपन्न भी था, इसीलिए राजा का बड़ा फेवरेट था वो, और राजा उसको बहुत सम्मान करते थे। जब भी राज दरबार होता था और मंत्री मान लो आता था अंदर, तो राजा स्वयं अपने आसन से उठ करके उसका सम्मान करते थे। कितनी बड़ी बात होती है यदि राजा स्वयं किसी व्यक्ति के लिए आसन से उठे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हर दिन का काम था। एक बार मंत्री के मन में जिज्ञासा हुई कि ये राजा जो मेरा सम्मान कर रहा है वो राजा मेरी विद्या का सम्मान कर रहा है या मेरे
है, मुझे इसको फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करें? उसने सोचा, उसने क्या किया, वो राजकोष में गया। पहले राजकोष होते थे ना, बड़े बड़े राजकोष, जहाँ पर राजा का धन रहता था, हीरे पन्ने माणक मोती ऐसे ढेर लगे रहते थे वहाँ पर। तो मंत्री था तो मंत्री कहीं भी जा सकता था ना, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं था पूरे राजमहल में। वो गया राजकोष में, और चूंकि राजकोष में एक अधिकारी रहता है, एक व्यक्ति होता है अपॉइंट किया होता है जो उसकी देखभाल करता है कि कहीं कोई चोरी नहीं कर ले। अब मंत्री गया अंदर और उसने वैसे तो जानबूझ के लिए एक मुट्ठी हीरे चुराए उसने मंत्री ने, और हीरे चुरा करके जेब में रख ली। उस दृष्टि से किए ताकि वो जो व्यक्ति खड़ा है वो उसे देखे भी। कर ऐसे रहा था कि मान लो छिपा करके, लेकिन इंटेंशनली कर रहा था। अब उस जो खड़ा था वो व्यक्ति जो ध्यान रख रहा था उस राजकोष का, उसके मन में आया कि ये मंत्री और ये मैं जो आंखों से देख रहा हूँ ये सही है या गलत है। उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका राजा भी सम्मान करता है और आज ये हीरे चुरा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो उस समय तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप में छोटा व्यक्ति था ना, मंत्री के लिए कैसे बोल सकता है। तो कोई बात नहीं, उसने आई नहीं कर दी। दूसरे दिन फिर मंत्री आया और फिर उसने हीरे चुराए वहां से। 3-4 दिन रोज का ये क्रम हुआ तब उसको लगा कि मेरा कोई भ्रम तो है नहीं, ये तो सच्ची बात है, तो रोज हीरे चुरा रहा है तो गड़बड़ है। तो उसने क्या किया, वो सारी इंफॉर्मेशन किसको दी? राजा को दी। अब राजा को जब उसके आचरण के बारे में पता चला ये सब चीजें, तब राजा ने क्या किया? अब जब मंत्री आया राज दरबार में, अब क्या हुआ, व्यवहार बदल गया राजा का? राजा खड़ा होगा या नहीं होगा? नहीं हुआ राजा खड़ा, नहीं हुआ। अब 2-3 दिन राजा खड़ा नहीं हुआ तो मंत्री समझ गया कि अब तो वापस बात को ठीक करनी पड़ेगी। तब मौका देख करके मंत्री वापस राजा के पास में गया और जितने हीरे चुराए थे वो वापस दे दिए। तो वो सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि हमेशा हमारा सम्मान जो होता है, ज्ञान का भी सम्मान होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, ज्ञान भी इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा आचार, कि हमारा आचार कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, कि हमने जो कुछ भी जाना है वो हमारे आचरण में बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। यदि वो हम जानते बहुत है लेकिन आचरण में नहीं बोलता है तो उस व्यक्ति का कभी कोई सम्मान नहीं होता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो। यदि आप आचार संपन्न है तो आपका सम्मान होगा ही होगा। एक मौके यदि आपका ज्ञान कम है लेकिन आचारवान है तो भी आपका वो सम्मान होता ही है। तो गौतम स्वामी जो कि ऐसे आचार और विद्या दोनों संपन्न थे, विहार करते करते अब वो कहाँ पहुंचे, अपने शिष्यों के साथ में श्रावस्ती नामक एक नगरी में पहुंचे। और श्रावस्ती नगरी के अंदर क्योंकि साधु थे तो उन्होंने एक प्रासुक स्थान देखा। प्रासुक का मतलब जहाँ पर साधु रह सकता है, ऐसा नहीं हरियाली हो वहां पर नहीं, तो वहां पर वो रुक गए। अब उसी गाँव में श्रावस्ती नगरी में इधर तो केशी श्रमण केशी अपने सारे शिष्यों के साथ में रुके हुए थे और इधर कौन रुके हुए थे, गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। और वो दोनों ही कैसे रह रहे थे, आत्मलीन और मन की समाधि के साथ में रह रहे थे। दोनों के मन में क्या थी, समाधि थी। कितनी बड़ी बात होती है मन की समाधि। हम देखें हमारे मन की समाधि कितनी रहती है। अब अपना ही इंट्रोस्पेक्शन करें कि पूरे दिन में मन की समाधि कितनी रहती है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे संकल्प विकल्प उठते ही रहते हैं, उठते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, और मन चंचल चंचल होता ही रहता है। जब तक मन में असमाधि है हमारे मन में, तो आप कितना भी पूजा पाठ ध्यान स्वाध्याय करो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, हमारा मन की समाधि का होना जरूरी है। यदि मन असमाधिस्थ है, मन चंचल है, विक्षिप्त है, तो हमारी साधना फलित नहीं हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक साइकिल है, साइकिल के टायर में एक छोटा सा छेद है जो आपको पता नहीं है। यदि साइकिल के टायर में यदि छोटा सा छेद है और आपको पता है तो आप क्या कर देंगे, उसको रिपेयर कर देंगे। लेकिन इतना छोटा सा छेद है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन आप ये अनुभव कर सकते हैं कि इस टायर से हवा निकल रही है और टायर कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। अब टायर फ्लैट हो गया, साइकिल तो अच्छी है ना, टायर फ्लैट है पर साइकिल अच्छी है, लेकिन वो साइकिल कैसी है, बेकार। फ्लैट टायर के साथ में आप साइकिल राइडिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। वैसे ही हमारा मन भी बार बार पंक्चर हो जाता है। अब इस पंक्चर मन के साथ में यदि आप ध्यान करने बैठो, स्वाध्याय करने
बैठो और फिर कहो ध्यान में तो मन नहीं लगा, कि ध्यान की क्या पद्धति है, कैसी विधि है ध्यान की। अब हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ध्यान की विधि अच्छी नहीं है, लेकिन मन कैसा है हमारा, पंक्चर है, राइट। तो ध्यान की विधि बेकार हो जाती है, कब हो जाती है, जब हमारा मन पंक्चर हो जाता है। अब हमें ये एनालाइज करना है कि हमारा ये मन पंक्चर क्यों होता है। हमारा मन पंक्चर इसलिए हो जाता है, बार बार हम अतीत में चले जाते हैं, अतीत की पुरानी बातों को याद करते हैं बार बार, या फ्यूचर की कल्पनाओं में लगे रहते हैं जो कि लिमिटलेस कल्पनाओं में। तो इन दो के कारण हमारा मन क्या हो जाता है, पंक्चर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, पहले पंक्चर को ठीक करना है। यदि पंक्चर हुई साइकिल है उसके साथ यदि आप घसीट कर लेकर जाओगे तो आपकी यात्रा कैसे होगी, मुश्किल हो जाएगी ना। तो वैसे ही यदि पंक्चर मन के साथ में यदि हम ध्यान या कुछ भी करने बैठेंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले यदि आप ध्यान 15 मिनट कम भी करोगे तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं, आपने ध्यान 15 मिनट कम भी किया, लेकिन पहले आपको मन को शांत करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपका मन चंचल हो रहा है या दुखी हो रहा है, विक्षिप्त हो रहा है, असमाधिस्थ हो रहा है, उसको पहले शांत करना जरूरी है। जो बातें हमने चित्त पर रख रखी है अभी तक, जिसको हम पकड़ कर बैठे हैं, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस मन के साथ यदि ध्यान करेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। और एक बार यदि आपने साइकिल को ठीक कर दिया और फिर भले आप 15 मिनट में जितना तेज भागना उतना भाग सकते हैं, लेकिन पंक्चर टायर के साथ तेज नहीं भाग सकते, आपको धीरे ही चलना पड़ेगा। वैसे ही यदि मन यदि हमारा शांत है, फिर यदि आपने 10 मिनट भी ध्यान किया या 15 मिनट भी ध्यान किया, लेकिन आप ध्यान की हाईएस्ट गति ध्यान में गति पकड़ सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारा मन एकदम शांत है वहां पर। तो ऐसे ही वो केशी और गौतम दोनों ही उस श्रावस्ती नगरी में रह रहे थे, उनके शिष्य समुदाय भी थे, बड़े शांत भाव से रह रहे थे। गोचे का समय हुआ, इधर श्रवण केशी के शिष्य गोचे के लिए निकले और इधर गौतम स्वामी के शिष्य गोचे के लिए निकले। अब संयोग ऐसा हुआ कि दोनों ही शिष्यों की टोली का आपस में आमना सामना हो गया। अब पहली बार देखा, क्योंकि जो केशी के शिष्य थे उन्होंने पहली बार भगवान गौतम के शिष्यों को देखा और गौतम के शिष्यों ने पहली बार केशी के शिष्यों को देखा। तो सबसे पहले श्रवण केशी के शिष्यों ने जिज्ञासा की, क्योंकि जब कोई नया व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे भीतर एक उत्साह होता है, एक उल्लास होता है, एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि ये है कौन। तो केशी के शिष्यों ने चार क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन क्या है कि आप कौन हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, इसके अंदर एक श्लोक है जिसमें कहा केशो मा इमो धम्मो केशो आयार धम्म पणिहि इमा वासा वकेशि। चार क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन क्या था, आप कौन हैं? तो गौतम स्वामी के शिष्य ने क्या कहा, हम साधु हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपका धर्म क्या है? तो उन्होंने क्या आंसर दिया, हमारा पंचयाम धर्म है, हम पांच महाव्रतों की साधना करने वाले साधु हैं। तीसरा क्वेश्चन किया कि आपने ये श्वेत वस्त्र क्यों पहन रखे हैं, राइट। तो उन्होंने आंसर क्या दिया, क्योंकि हम साधु हैं और साधु को तो श्वेत वस्त्र ही पहनने चाहिए। चौथा क्वेश्चन किया कि आपका लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। ये क्वेश्चन केशी श्रवण के शिष्यों ने किया और आंसर किसने दिया, गौतम के शिष्यों ने दिया। अब टर्न किसका था, गौतम के शिष्यों का टर्न था। उन्होंने भी यही सेम चार क्वेश्चन उन केशी श्रवण के शिष्यों से किया। सबसे पहला कि आप कौन है, उन्होंने क्या आंसर दिया, हम साधु हैं। दूसरा कहा कि आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, हमारा धर्म चतुर्याम धर्म है। क्या बोला, चतुर्याम धर्म है। तो यही कॉन्फ्लिक्ट हो गया एक तो। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने किया कि ये आपने जो वस्त्र पहन रखे, पीले वस्त्र पहनते थे, भगवे कलर के कलर होता है ऐसा, ये ऑरेंज कलर टाइप का, तो उस समय वैसे वस्त्र पहनते थे, तो आपने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो बोला कि हमारे भगवान पार्श की परंपरा में ऐसे ही सारे साधु सब वस्त्र पहनते, इसलिए हमने ऐसे ही पहन रखे हैं। अब चौथा क्वेश्चन था कि आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहा, हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। अब देखिए, अब उन दोनों ग्रुप्स के अंदर, दोनों ही टोली के अंदर, शिष्यों के अंदर
दोनों ही दोनों का लक्ष्य क्या था? मोक्ष को प्राप्त करना। लेकिन फिर भी एक कह रहे हैं चतुर्या, एक कह रहे हैं पंचया, एक ने पहने सफेद कपड़े और एक ने पहने हैं गेरुए कपड़े। अब उनके मन में एक जिज्ञासा हुई और जिज्ञासा का समाधान कौन करे वहां पर? तो उससे दोनों कहां गए? अपने अपने आचार्यों के पास में गए और अपने अपने आचार्यों के पास में जाकर के निवेदन किया कि आज तो हमने बड़े ही अजीब साधु देखे हैं, बड़े ही उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने भी ऐसा कहा। अब जब केशी ने अपने शिष्यों को सुना और गौतम ने अपने शिष्यों को सुना तो केशी के मन में गौतम से मिलने की इच्छा हुई और गौतम स्वामी के मन में केशी से मिलने की इच्छा हुई और दोनों को आपस में मिलने की इच्छा हुई क्योंकि जिज्ञासा का समाधान करना था। तो क्या किया? तो एक टाइम फिक्स किया, एक समय फिक्स किया कि जहां पर हम दोनों ही आकर के मिल सकते हैं और जिज्ञासा समाधान कर सकते हैं। जो भी भीतर में प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों का समाधान हम साथ में मिलकर बैठ करके ढूंढ सकते हैं। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि जब ये स्थान और सब फिक्स हुआ, चूंकि केशी श्रमण अवस्था में बड़े थे ना, परंपरा से तो वो बड़े थे ना, गौतम स्वामी से तो बड़े थे क्योंकि पाश की परंपरा के थे। तो हमेशा गौतम स्वामी ने क्या किया, विनय की मर्यादा का सम्मान किया। जनरली छोटा होता है वो बड़े के पास जाता है ना, कि बड़ा होता है वो छोटे के पास आता है। तो जहाँ केशी श्रमण जहाँ रुके हुए थे, उनका समुदाय जहाँ रुका हुआ था, वहां पर गौतम स्वामी चल करके इनके स्थान पर आए। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये परंपरा है कि हम भी अपने जीवन में जो बड़े हैं उनको हमेशा आदर दें, सत्कार दें, सम्मान दें, उनका विनय करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है। तो यही हमारी कल्चर है, यही हमारी परंपरा है कि जब भी हमसे कोई ज्ञान में बड़ा हो, कोई अवस्था में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, दीक्षा में बड़ा है, जिसमें जिस भी पर्याय में वो बड़ा है, हम उनका आदर और सम्मान करना सीखें। तो गौतम स्वामी पूरी शिष्यों की टोली के साथ में वहां पर आए केशी श्रमण के स्थान पर, और जैसे ही केशी ने गौतम स्वामी को देखा पूरी टोली के साथ में, तो केशी श्रमण स्वयं उठ करके उनकी अभिवादन के लिए सामने आए। देखो ये भी उनका बड़प्पन है कि जब छोटा आया है लेकिन फिर भी उनका अभिवादन करने के लिए वो सामने आए, उन्हें स्थान दिया गया, दोनों पट्ट पर विराजमान हो गए। अब सबको पूरे गांव को पता चल गया कि अभी संवाद होने वाला है केशी और गौतम के बीच में। तो सबके भीतर एक उत्सुकता थी, सारे गांव में जितने भी लोग थे, साधु अलग मत के मतावलंबी थे, मान लो अन्य मतों को मानने वाले जो भी लोग थे वो भी वहां पर आए, गृहस्थ थे वो भी आए, शावक शाविकाएं, न केवल शावक शाविकाएं, ऊपर से देव यक्ष किन्नर गंध सारे वहां पर आए इस चर्चा को सुनने के लिए कि ये चर्चा होती कैसी है। तो सुनने के लिए वो सारे आए क्योंकि परिषद अलग अलग प्रकार की होती है ना। जैसे हम देखें तीर्थंकरों की जो परिषद होती है वो अलग प्रकार की होती है। तीर्थंकरों की परिषद को क्या बोलते हैं? समवसरण। एक समवसरण में कितने प्रकार की क्राउड होती है? 12 प्रकार की टाइप, 12 प्रकार की क्राउड होती है। मतलब वहां पर श्रावक श्राविका साधु साधी देव देवियां त्रियंश ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरी होती है। और साधु आचार्यों की जो परिषद होती है वहां पर कितने प्रकार के होते हैं क्राउड? साधु साधी श्रावक श्राविका और कई कभी कभी दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। जनरली साधु की परिषद में श्रावक और श्राविका दो रहते हैं। तो वैसे ही अब उनकी परिषद जने सब जने उत्सुक थे कि वो क्या प्रश्न पूछते हैं। तब केशी ने सबसे पहले प्रश्न पूछा कि मेरे मन में एक जिज्ञासा है। तब गौतम स्वामी ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा है वैसा आप प्रश्न पूछिए। तब केशी ने कहा कि जो चतुर्यां धर्म है उसका प्रतिपादन किसने किया? भगवान पाश ने। और जो पंचयां धर्म है उसका प्रतिपादन किसने किया? भगवान महावीर स्वामी ने। तो एक ही उद्देश्य को लेकर हम दोनों चले हैं। आपका भी उद्देश्य सही सेम है, हमारा उद्देश्य भी सेम है। तो एक ही उद्देश्य को लेकर हम दोनों ही चले हैं, लेकिन फिर भी धर्म के इन दो प्रकारों में क्या तुम्हें संदेह नहीं होता? क्वेश्चन क्या था? धर्म के दो प्रकार हो गए ना, एक पंचयाम और एक चतुर्याम। तो क्या तुम्हें कभी डाउट नहीं होता कि धर्म के दो प्रकार क्यों हैं? जब एक ही लक्ष्य है तो धर्म के दो प्रकार क्यों हैं? ये प्रश्न था केशी स्वामी का। तो गौतम स्वामी ने क्या आंसर दिया? गौतम स्वामी ने कहा मुझे धर्म के इन दो प्रकारों में संशय या डाउट इसलिए नहीं होता है क्योंकि
मैं धर्म तत्व की समीक्षा प्रज्ञा से करता हूँ। किससे करता हूँ? प्रज्ञा से करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग लेवल के, हमारे माइंड की अंडरस्टैंडिंग लेवल के 3 स्टेप्स है जिसे हम समझते हैं। क्या है 3 प्रकार? कौन से? एक होता है मन के लेवल पर, दूसरा होता है बुद्धि के लेवल पर, और तीसरा होता है प्रज्ञा के लेवल पर। मन का क्या काम होता है? स्मृति, कल्पना और चिंतन, ये 3 ही तो काम है। मन का क्या काम है? या तो सोचते रहना दिन भर, या कल्पनाएं करते रहना, और या भूत को, भूत मतलब वो भूत नहीं, पास्ट वाला, जो पास्ट भूत है अपना, उसको याद करते रहना। ये 3 ही काम है मन के। तो मन के स्तर पर कोई व्यक्ति सोचता है, दूसरा होता है बुद्धि के स्तर पर। बुद्धि का स्तर का मतलब क्या होता है? विवेक चेतना जागृत होती है। जब आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर अवेक होता है, मतलब आपको ये पता रहता है कि मुझे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जो भी आप अपने जीवन में डिसीजन लेते हैं वो किसके बेस पर लेते हो? आप अपनी बुद्धि के बेस पर लेते हो। मन का काम तो सिर्फ इतना ही है सोचना, ये सब करना, मटीरियल कलेक्ट करके आपके आत्मा को दे देना, इतना ही काम है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका जो पोस्टमार्टम करते हैं, ये सही है गलत, राइट रॉन्ग, ये सब जो निर्णय हम लेते हैं हमारे जीवन में, वो किसके काम है? बुद्धि के काम है। तीसरा जो लेवल होता है, इन दोनों से जो ऊपर उठ जाता है वो लेवल होता है, वो कौन सा लेवल होता है? प्रज्ञा का लेवल। प्रज्ञा का मतलब होता है जो भीतर से निकलता है, अंदर से जो निकलता है, जो अंदर का मतलब हमारी आत्मा के स्तर पर जाकर के। हम कहते हैं ना, एक तरह हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है, बहुत बार बोलते हैं ना, बहुत बार सुनते नहीं है अपन, वो अनंत 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 है क्या? अनंत का मतलब ये है, जब वो जागृत होता है तो वो प्रज्ञा के रूप में बाहर आता है। अकबर बीरबल के समय जो बीरबल था ना, हाजिर जवाबी था, है ना, हाजिर जवाबी, जो भी प्रश्न पूछते थे फटाफट आंसर देता था वो। कैसे दे पाता था? कि आपको कोई प्रश्न पूछे ना, हमें भी कोई प्रश्न पूछे तो ज्ञान में है तो फटाफट आंसर दे देंगे, यदि ध्यान में नहीं है तो चुप हो जाएंगे ना, क्योंकि हमारी प्रज्ञा का लेवल उतना जागृत नहीं है। तो प्रज्ञा को जागृत करना ये बहुत दुष्कर है, मतलब असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। वैसे देखें तो मन की शक्ति को सही रूप में यूज करना भी बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मन की शक्ति को राइट डायरेक्शन में यूज नहीं करते हैं, हमेशा उल्टा ही सोचते रहते हैं, उल्टा ही सोचते रहते हैं। तो मन की शक्ति को सही दिशा में यूज करना अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा है कि निर्णय की शक्ति को भी बढ़ाना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और तीसरा क्या हो गया? हमारी प्रज्ञा को जागृत करना, ये भी बड़ा दुष्कर है। इतिहास को उठाकर यदि आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे, ऐसे ऐसे महापुरुषों के उदाहरण मिलेंगे जहां पर उनकी प्रज्ञा बोलती है। महाकवि कालिदास का नाम आपने सुना कभी? कालिदास, आपको पता है कालिदास, एक जमाना था, एक समय था जब कालिदास के पास न तो मनन करने की शक्ति थी, न ही विवेक शक्ति थी, और प्रज्ञा की तो बात ही छोड़ दो। ऐसा एक समय था और उसका काम क्या था? जंगल में जाना, लकड़ियों को काटना, लकड़ियों को बेचना और अपनी जीविका को चलाना, बस वो ऐसा ही काम करता था कालिदास। महाकवि कालिदास, जिसकी आज इंडिया में तो बहुत उनका उनकी उनकी बुक्स भी चलती हैं, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो जबरदस्त लिखे हैं। मैंने भी जब बीए किए थे उनके ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, उनकी जो संस्कृत है इट वॉज वंडरफुल, मतलब बहुत प्रज्ञा लेवल जागृत होती है तभी वो होता है। एक बार महाकवि कालिदास एक पेड़ पर बैठे हुए थे और डाली को काट, जिस पेड़ पर बैठे उसी पेड़ की डाली को काट रहे थे। है कोई ऐसा मूर्ख दुनिया में? अब जिस पेड़ पर बैठो उसी पेड़ की डाली को काटो, इतना इससे बड़ा कोई मूर्ख होगा दुनिया में कोई भी? और जब वो काट रहे थे कालिदास, जिस पेड़ पर बैठे उसी डाली को काट रहे थे, अचानक मंत्री का जो पुत्र था उसने देख लिया, उसने सोचा इससे बड़ा मूर्ख या महामूर्ख मुझे दुनिया में कहाँ मिलेगा। और मंत्री के पुत्र की एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी? उसकी कुछ राजकुमारी, राजा की जो बेटी थी उस राजकुमारी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी, अनबन हो गई थी, तो उसको मजा चकाना था राजकुमारी को। मजा क्या चकाना था? उसको सबक सिखाना था। तो उसने कुछ भी करके अपने पापा से कहकर या कुछ भी करके उस कालिदास की शादी जैसे तैसे करके किसके साथ करवा दी? राजकुमारी के साथ। अब सोचो कहाँ राजकुमारी और कहाँ हो? एक बार के लिए मूर्ख कालिदास। शादी हो गई, शादी की पहली रात ही, क्योंकि व्यक्ति जैसे अपन देखते हैं तब तक व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुंह खोलता है तो सब कुछ रियलिटी सामने आ जाती है, ये कितना पानी है और कितना बाहर है।
तो जब शादी की पहली रात में जब महाकवि कालिदास से उस राजकुमारी की बातचीत हुई तो उस राजकुमारी समझ गई कि ये तो कोई व्यक्ति मूर्ख जैसा लग रहा है और मैं कहाँ फंस गई इसके साथ में, राइट। और उसने कहा कि ऐसा सदभाव जीवन जीने से अच्छा है कि मैं विधवा ही बन जाऊं। अब महाकवि कालिदास एक खिड़की के झरोखे के पास में खड़े थे और उसने क्या किया, एक धक्का दिया ऊपर से, एक बड़े महल ऊपर होते ना ऊपर ऊपर, तो उसने कालिदास को एक पुश किया ऐसे, कालिदास कैसे हो गए नीचे गिरने लगे। कालिदास के पास ज्ञान नहीं था लेकिन एक चीज थी कालिदास के पास में, वो क्या थी, वो माँ काली के बड़े भगत थे। किसके, माँ काली की, उनकी माँ काली के प्रति जो श्रद्धा थी वो रग रग में नस नस में थी, बड़ी अपूर्व श्रद्धा थी। जब ऊपर से नीचे गिर रहे थे तो उन्होंने किसका नाम लिया, माँ काली का नाम लिया और माँ काली ने उसकी रक्षा की। वो सीधी नहीं जाकर कहाँ गिरे, माँ काली के मंदिर पर गिरे, हड्डी में कहीं चोट नहीं आई, शरीर में कहीं चोट नहीं आई, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चोट आई कि वो प्रज्ञा का शोध था वो खुल गया। अब वो प्रज्ञा का शोध खुला, अब काफी कवि कालिदास संस्कृत में बोले जा रहे, तुरंत बोले जा रहे, उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। अब वो घर पर वापस आए, दरवाजा को खटखटाया कि बोल, तब उन्होंने एक संस्कृत में कहा कि अस्ति कश्चित् वा विशेषः, संस्कृत में बोला कि दरवाजा खोलने के लिए, हम तो बोलते दरवाजा खोलो, उन्होंने क्या बोला, अस्ति कश्चित् वा विशेषः, कि दरवाजा खोलो कोई विशेष व्यक्ति आया है। अब राजकुमारी तो घबराने लगी, घबराई ना क्योंकि उसने तो नीचे बैठ गया था, उसने सोचा कि कहीं भूत बनकर तो नहीं आ गए मेरे पति देव यहाँ पर। वापस दूसरी बार वापस दरवाजा खड़खड़ाया तो उसने कहा कि मैं कालिदास हूँ, तुम दरवाजा खोलो, इस तरह से उन्होंने दरवाजा खोला और सारा सॉल्व। तो कहने का मतलब ये था कि प्रज्ञा जागरण, मैं बात कर रही थी कि प्रज्ञा के जागरण की, जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उस प्रॉब्लम को उस कंडीशन से अलग करके हम उसको देख पाते हैं, रियलिटी में देख पाते हैं और उसकी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो गौतम स्वामी ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ केशी स्वामी ने जो भी क्वेश्चन पूछा, तो गौतम स्वामी ने जो आंसर दिया वो कैसे दिया, प्रज्ञा से दिया। मेरी प्रज्ञा जागृत है इसीलिए मैं इन धर्म के प्रकारों में नहीं उलझता हूँ, और जो ये धर्म के प्रकार किए गए वो क्यों किए गए उसका रीजन मैं बताता हूँ। तो रीजन बताते हुए वो कह रहे हैं कि पहले तीर्थंकर के जो समय जो मुनि थे, साधु साध्या थे, वो कैसी प्रकृति के थे, वो थे ऋजु और जड़ प्रकृति के। इसको ध्यान से सुनना, पहले ऋषभ भगवान तीर्थंकर के समय जितने भी साधु साध्या थे वो कैसी प्रकृति के थे, ऋजु और जड़ प्रकृति के थे। अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, भगवान महावीर, उनके समय में जितने भी साधु साध्य हैं वो कौन से प्रकृति के हैं, वक्र और जड़ प्रकृति के हैं, है ना, वक्र और जड़। इसको ध्यान से समझना, और बीच के, बीच में कितने रहे आप, पहले निकाल दिए, लास्ट कितने रहे, 22। और 22 तीर्थंकर के बीच में जितने भी साधु साध्या हैं वो कौन सी प्रकृति के हैं, वो है ऋजु और प्राज्ञ। पहले कौन से हुए, ऋजु और जड़, दूसरे कौन से हुए, वक्र, लास्ट वाले वक्र और जड़, और बीच वाले ऋजु है प्राज्ञ प्रकृति के। तो इन ऐसा नेचर, ये क्या होता है, मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी कि ये कैसे करते हैं इसको। तो ये अलग अलग नेचर होने के कारण, अलग अलग प्रकृतियां होने के कारण धर्म के अलग प्रकार किए गए हैं देश काल की परिस्थिति के अनुसार। क्योंकि एक समय ऐसा था जहाँ पर ऐसे साधु थे, दूसरी परिस्थिति आई वहां पर ऐसे साधु है, तीसरी परिस्थिति आई वहां पर ऐसे साधु है। तो जैसी काल की परिस्थिति थी, जैसी काल की सापेक्षता थी, उसके हिसाब से ये धर्म का डिवीजन किया गया। तो पहले प्रकृति का साधु का मतलब भगवान ऋषभ के समय कौन से थे, ऋजु और जड़। ऋजु और जड़ मतलब कहने का मतलब, उसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ कि कैसा हमारा आया आके कैसे ऋजु थे वो, कि एक बार भगवान ऋषभ के कुछ साधु भिक्षा के लिए गए, गोची के लिए गए, और आते समय उन्हें बहुत देर हो गई, घर वापस लौटते समय उन्हें बहुत देर हो गई। भगवान ऋषभ ने पूछा कि आज तुम्हें देरी कैसे हो गई, आज आने में देरी कैसे हो गई। मन सरल था, कैसा था, ऋजु था ना, सरल था। तो बोला कि रास्ते में नटनिया नाच रही थी, कौन नाच रही थी, वो थी ना क्या बोलते हैं इनको, जो नट और नटी, नटी की बात, जो लेडीज होती है वो नाच रही थी, उनका
उनका डांस इतना अच्छा था हम उसको देख रहे थे। भगवान ने कहा आप साधु हैं क्या साधु को नाच करना देखना कलपता है? हमें नहीं कलपता है, देखना नहीं है। उन्होंने कहा क्षमा भगवान आगे से हम ध्यान रखेंगे। दूसरा दिन हुआ फिर गए गोची लेने के लिए और आते समय देरी हो गई तो फिर पूछा भाई आज देरी क्यों हुई आने में? तो बोले कि रास्ते में नट नाच रहे थे। कौन नाच रहे थे? नट नाच रहे थे। अब मैं भी नाच रहे थे तो बोले कि मैंने कल कहा था ना कि हमको नाच करना नहीं देखना है तो फिर क्यों देखा? कि आपने तो नटनियों का नाच देखने के लिए मना किया था, नट का नाच देखने के लिए कब मना किया था? देखो वो कैसे थे, रिजू भी थे और जड़। जड़ का मतलब अपना दिमाग नहीं लगाया ना। एक व्यक्ति होता है इशारे से समझता है, एक क्लू दे दिया उससे संबंधित जितनी चीजें वो नहीं करनी, तो उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। इसका मतलब वो रिजू भी थे लेकिन जड़ थे। लास्ट भगवान महावीर के समय कैसे कैसे साधु साधी थे? वक्र थे, मतलब है वक्र और जड़। वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, सब टेढ़ा मेढ़ा, बोलना भी टेढ़ा मेढ़ा होता है उनका, मतलब जब सीधा नहीं होता। देखिए ये सब सापेक्ष है, कौन कितना है सबकी अपनी आत्मा जानती है कि हम कितनी सरलता हमारे भीतर रख पाते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल यदि अपन हम इसका रिजल्ट निकाले तो भगवान महावीर के शासन काल के जो साधु साधियां हैं वो वक्र और जड़ प्रकृति के हैं। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा होना। एक शिष्य और गुरु जी रात का समय था, कमरे में बैठे हुए थे और जब गुरु जी ने कहा कि शिष्य को पूछा कि भाई बाहर देख कर आ कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है, जरा तू बाहर उठ करके देख कर आ। शिष्य बड़ा आलसी प्रकृति का था, उसने कहा गुरु जी वो देखो कुत्ता आया अंदर, वो देख लो हाथ लगा कर देख लो कि कुत्ता का शरीर गीला है इसका मतलब बारिश हो रही है, अरे वो सूखा है इसका मतलब बारिश नहीं हो रही। अब गुरु जी भी क्या करे, चेले ऐसे मिल गए ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। रात का समय था, एक दिया जल रहा था, गुरु जी को सोना था, गुरु जी सो गए, दिया जल रहा था, दिए का प्रकाश आंख पर आ रहा था। तो गुरु जी ने फिर शिष्य से कहा कि जरा उठ करके दिए को बुझा दे। अब वो चेला बैठा बैठा क्या बोले, गुरु जी पास का कंबल पड़ी है ना, मुंह ढक के सो जाऊं अंधेरा हो जाएगा, है ना। अब गुरु जी ने तो वही किया, अब दरवाजा खुला था, तब बोला भाई दरवाजा खुला है उठ करके थोड़ा बंद कर दे। तो चेले ने कहा गुरु जी आप दरवाजे के पास सोए हुए ना, एक पैर लगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। तो गुरु जी ने कर दिया, थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खुल गया। अब गुरु जी ने कहा दरवाजा खुल गया अब तो उठ कर बंद कर ले। चेले ने क्या कहा, गुरु जी तीन काम तो मैंने कर लिए अब एक काम आप करो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वक्र हर एक चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती, हम लोग सिर्फ क्या करते रहते हैं लॉजिक ढूंढते रहते हैं, हम हर चीज को सीधा नहीं लेते हैं, तो वो होता है वक्र प्रकृति का। तो इसमें जो गौतम स्वामी ने कहा कि जो मान लो कि भगवान महावीर ने पांच धर्मों की प्ररूपना की और भगवान पाश ने चार धर्म की प्ररूपना की, इसके पीछे यही कारण था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ जिसकी जैसी मन स्थिति थी, जैसी मनोदशा थी, क्योंकि एक समय था जब हमारा टॉलरेंस पावर बहुत हाई था तो हम सब कुछ सहन कर सकते थे। धीरे धीरे साधु के जितने नियम थे उसमें सहन शक्ति इतनी नहीं रही तो उन नियमों को चेंज करना पड़ा। चेंज का मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ा, यदि एज इट इज रखते तो बहुत मुश्किल हो जाता, यदि एज इट इज होता तो हम यहाँ पर नहीं आ पाते, राइट। इसका मतलब कि आचार्य तुलसी ने सोचा, दूर दृष्टि को सोचा कि भाई साधु का तो नियम होता है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, पैर पैर चलना होता है, लेकिन कुछ नियमों में उन्होंने परिवर्तन लाया। इसका मतलब दो प्रकार के सत्य दो प्रकार का हो गया, एक शाश्वत सत्य और एक हो गया सामयिक सत्य। शाश्वत सत्य को हम नहीं बदल सकते, शाश्वत सत्य का मतलब जो पांच हमारे महाव्रत है तो वो पांच ही रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अहिंसा अहिंसा रहेगी, सत्य सत्य रहेगा, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और ये सब एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे नियम है उनको पालन करने के लिए, जो छोटे छोटे व्रत नियम त्याग पचकान जो किए जाते हैं उनमें फेर आ जाता है। लेकिन उनमें फेर आने का मतलब ये नहीं है कि मूल सिद्धांत में फेर आ गया है। हालांकि जो भगवान मिशन के समय थे वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य
का पालन परिग्रह में आ गया था। वो स्त्री को भी परिग्रह ही मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्योंकि अवसर भी नहीं काल है, सब कुछ घटता जा रहा है, सब कुछ घटता जा रहा है। आपने देखा होगा आपका जमाना था तब आप कितने हम्बल थे, आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि कैसी कल्चर बदल रही है, आज की कल्चर कितनी बदल रही है, हमारी थिंकिंग पावर बदल रही है, हमारे ट्रेडिशन सब कुछ बदलता जा रहा है, क्योंकि ये समय का प्रभाव है, काल का प्रभाव है इसकी वजह से। और काल के प्रभाव के साथ साथ मेन बात है कि हमारी सहन करने की शक्ति है वो कम होती जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि हम इतना सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम भी देखते थे कि हमारे से पहले जो संगी जी थे या साध्विया थी, उन्होंने जो सहन किया वो हमने तो किया ही नहीं। कभी कभी जब हम बैठते हैं रात को और जो जब वो अपने इंसिडेंट सुनाते हैं कि जब ये नई नई श्रेणी जब शुरू की थी आचार्य तुलसी ने, पता नहीं उन्होंने कितने कितने स्ट्रगल किए, सहन किए थे, कितनी देर तक उन्हें भूखा रहना पड़ा था, लोग तैयार नहीं थे गोची देने के लिए, ऐसे ऐसे चीज उन्होंने सहन की है, क्या क्या कुछ नहीं किया है। यहाँ पर जब पहली पहली बार आए तभी बहुत कुछ सहन किया था, लेकिन अब यदि सहन करने की बात आए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो सहन करने की क्षमता है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो जब सहन करने की क्षमता तितिक्षा पावर यदि घटता जाता है तो नियमों में फेर करने की बदलने की जो एक बात सामने आती है, वो नियम की कुछ जो पुराने नियम है उन्हें विलय करना पड़ता है और नए नियमों का सृजन करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन हो सकता है पाठ अलग अलग हो, इसलिए मैं प्रज्ञा से देखता हूँ, मैं बुद्धि से या मन से नहीं देखता हूँ। यदि तुम भी प्रज्ञा से देखोगे तो तुम्हें भी ये संशय नहीं होगा। जब ये आंसर केशी स्वामी ने सुना गौतम स्वामी से तो उन्होंने कहा, हे प्रज्ञावान मुनि, तुमने मेरी इस शंका का समाधान कर दिया। और कब सुनेंगे कि दूसरी जो शंका, क्योंकि बहुत सारी शंकाएं उनके मन में है, तो दूसरी शंका क्या थी उनके मन में, वो क्या गौतम स्वामी से कहते हैं और गौतम स्वामी उसका क्या समाधान देते हैं, वो हम सुनेंगे कल। अब किसी के त्याग पचकान है आज।